जयपुर दिल्ली रोड स्थित निम्स विश्वविद्यालय के मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन विभाग में फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अंजनी कुमार झा ने कहा कि मास मीडिया विभाग में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को बारीकी से समझाया जाता है। यहाँ के छात्र छात्राएं हमेशा ही वाइल्ड लाइफ और पेट्रोटिक थीम पर फोटोग्राफी करते रहते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर योगेश कुमार गुप्ता ने की। उन्होंने बताया कि एक फोटोग्राफ 1000 शब्दों के बराबर होता है। प्रतियोगिता में स्वास्तिका ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि साहिल अग्रवाल दूसरे स्थान पर रहे। वहीं ऋषभ जोशी ने तीसरा स्थान हासिल किया। निर्णायक मंडल की भूमिका न्यूज इंडिया चैनल के सिनेमेटोग्राफर कैलाश चंद्र और जगदीश प्रसाद ने निभाई। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापित मीडिया प्रभारी विनोद सोनी ने किया। इस अवसर पर पत्रकारिता विभाग में सभी छात्र छात्राएं मौजूद थे। ऐसे आयोजन यहाँ मास कम डिपार्टमेंट में लगातार होते रहते हैं और ये फोटो प्रदर्शनी कंपटीशन के जरिए बच्चों को अधिक से अधिक हम मोटिवेट करते हैं ताकि एक अच्छे फोटोग्राफर वीडियोग्राफर बच्चे तैयार हों। और अगली कड़ी में हम नेचुरल सीन के अलावे अलग अलग जो विविधताएं हैं उन विविधताओं को लेकर बच्चों का अगला जो 24 जो नवंबर है उस नंबर को हमने तय किया है कि उस दिन भी फोटो एग्जीबिशन कम्पटिशन होगा। और इस तरह के कम्पटिशन हम लगातार आयोजित करते रहते हैं जिससे बच्चे और ज़्यादा मोटिवेट हों और हमारा लक्ष्य है एक अच्छा फोटोग्राफर हमारे बच्चे बने जो डिफरेंट अलग अलग चैनल्स में और अखबारों में बच्चे जाएँ। अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि हम सारे सबके सेम लोकेशन थे, सेम सब्जेक्ट था, बट जैसे कि कुछ मैंने कोशिश की कि हम कुछ हद तक अलग दिखा सकें तो शायद जजेस को कुछ अलग दिखा होगा तभी। एंड प्राउड फील कर रही हूँ कि हाँ मैंने जो कोशिश की वो कामयाब थी।